आप देख सकते हैं। एपिसोड 7 टेनिस बिटवीन बैन टिया सनी बैन बनाते थे। कौन जाने से पहले उन्हें सभी डांसर्स को एक जगह कर देना चाहिए ताकि उन्हें बचाने में आसानी हो। सनी बताते हैं कि सभी डायनासोर्स के लिए एक तालाब बनाने का फैसला करते हैं जहाँ पर सभी डायनासोर्स मिलकर रह सकते हैं बिना किसी को नुकसान पहुँचाए। इसके लिए वो लोग ट्रेन को बंद करने जाते हैं। रियास और बैन बाइक रखकर एंजल और रिवाल को लेने जाते हैं। बाकी लोग नहीं रुकते हैं। वो लोग ट्रेन बंद करने वाले होते ट्रेन में टीरक्सेस में आ जाते हैं और खेलने लग जाते हैं। डेनिस और ब्रुकलिन टीरक्स को ध्यान भटकाने नहीं जाते हैं तो दोनों टीरक्सेस से अपने पीछे ले लेते हैं। बैन और रियास एंजल और रिवाल बाइक रखकर और पेयर्स को लेकर आ रहे होते हैं। रियास बातों बातों में बैन को बता रही है कि सैनी को पसंद करती है। इस बीच उन्हें पता चलता है कि फायर क्रैकर नया मौजूद नहीं है। फिर वो लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। दूसरी तरफ डेनिस और ब्रुकलिन टीरक्स से बचने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं जो पेड़ पर बना होता है। टीरक्स से वहाँ से जाने का नाम नहीं लेते इसीलिए वो पैराडॉन्स को अपने ओर बुलाते हैं जिससे टीरक्स से ध्यान उनकी ओर चले जाता है और वो चले जाते हैं वहाँ से। बैन और रियास को फायर क्रैकर मिल जाती है तो डायलोफोसॉर्स के बारे में आ गई होती है। वो लोग वहाँ से भागते पर डायलोफोसॉर्स उनका पीछा करते हैं पर वो डायलोफोसॉर्स को एक जगह फंसा कर वहाँ से निकल जाते हैं। सैमी ट्रेन को ब्लॉक कर देती है और वाटरफ्लो फेस करने के लिए अंडरग्राउंड जाती है। वहाँ पर एक ब्रेड मिलता है। ब्रुकलिन वैसे जरूर ब्रेड को बंद कर देता पर एक ब्रेड अभी भी ऑन था। सैमी से बचते हुए बाहर आ जाती है और वाटरफ्लो को तेज करने में कामयाब हो जाती है। बाकी लोग डांसर्स लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। टीरक्स भी वहाँ आते हैं और शांति के संग पानी पीने लग जाते हैं। बाकी डांसर्स भी पानी पीते हैं। रियाज और सैनी एक दूसरे से थोड़ा टाइम एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड 8 डॉसन कौन से कहता है कि व्यक्ति साहब पैसे देने वाला था उसे कोई डांसर डीएनए भी चाहिए। कौन उसके बाद मान जाता है और डॉसन वहाँ से चला जाता है। डीएनए के लिए वो हॉब्स और मी को भेजता है। उसी वक्त रेड टेप फॉक्सी ये लोग टेप अदिछी कैंप के पास पहुँचते हैं। मुझा रॉक्सी एक टेंट में घुसी है और कपड़े हटा देती है जिसमें से सीने से हटा से कटा हुआ सर दिखाई देता है जिसको मैं सीजन 2 में देखा था। वो लोग चले से बाहर आते हैं और यही सोच रहे होते कि कहीं टाइम पर सीने के संग निकल तो नहीं गए सैलून से। टेंजी को पता चलता है कि उसके मना करने पर भी कौन ने बम्बी को पकड़ लिया था और हिंडोली चिप डाल दी थी जिससे टेंजी काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। कौन को पता चल जाता है कि कैंपस अपनी कैटेगरी से भाग निकले और वो आलिंग अब जल्द से जल्द जाना चाहता है। इससे पता चलता है कि मैं गायब है और डीएनए सैंपल्स उसी के पास है। मैं इकट्ठा करके सैंपल्स को नदी में फेंक देती है और एक पूरी पैरस को देखती है जिसके ऊपर बाकी पैरस पत्थर रख रहे होते हैं। तभी मैं केंजी आकर मेरे को ढूंढ लेता है। वापस चलने को कहता है मैं नहीं जाना चाहती है चाहे से वहाँ पर एक भयानक सहायता है और वो पूरी पैरस को देख नहीं पाता पर बाकी पैरस मुझे बच जाती है जिससे पयानी से वहाँ से चला जाता है और वो पूरी पैरस बच जाती है। मैं ये देखकर काफ़ी सख्त हो जाती है। ये ईसा नबला में रखने का डिसीजन लेती है। केंजी वर्कर्स और कॉन को मना लेता है और वो लोग आइलैंड से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रैड और बाकी लोग ये कंफ्यूजन में थे कि कैंपस इस साइड में है भी या नहीं पर मैं वहाँ आती है। इसी के संग ये एपिसोड ख़त्म होता है। एपिसोड 9 रियास और बैन बातें कर रहे थे कि रियास को बता देना चाहिए कि सैमी को कि वो उसे पसंद करती है। सैमी कैसे बताना चाहती है बाकी के आने की वजह से आगे नहीं बढ़ती। कैंपस थोड़ा अच्छा टाइम एक्सप्लेन करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कॉल और बाकी लोगों को आने से पहले उन्हें गेट को लॉक कर देना चाहिए। इस दौरान सिस्टम के ख़राब होने की वार्निंग आने लग जाती है। वो लोग इसे देखने जाते हैं तो देखते हैं कि पावर मशीन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ना मिस्टर सॉरेस प्रेस होता है पर सैली गैस के कारण बेहोश हो जाता है। बैन रिया सैमी मिस्टर सॉरेस को लेकर सरफेस की ओर जा रहे होते हैं। ब्रुकलिन और डेनियस में रुक जाते हैं पावर मशीन ठीक करने के लिए। डेनियस रैली गैस को रोकता है। ब्रुकलिन सिस्टम को ठीक करने में कामयाब होती है पर वो खुद ही बेहोश हो जाती है जिससे डेनियस बचा लेता है। सरफेस की ओर जाते हुए मिस्टर सॉरेस होश में आ जाता है और वो उन पर हमला करने की कोशिश करता है। मिस्टर सॉरेस को लेकर वो लोग सरफेस पर पहुँच जाते हैं। वहीं मिस्टर सॉरेस एक टेलीफोन सॉरेस को मार देता है और वहाँ से चले जाता है। रियास सैमी को बताती थी कि वो उसे पसंद करती है और सैमी के मन में सेम फीलिंग्स थी। फिर वो लोग देखते हैं कि कौन और बाकी लोग आ गए हैं। केंजी को
टोरों को कंट्रोल करते हुए देखकर वो काफ़ी दुखी होते हैं। बम्पी को देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। एपिसोड 10। कॉन्स्टेबल जी को कैंपस के बाहर बताते हैं कि वो भाग निकले। बहन बम्पी को कंट्रोल देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो बम्पी को जाने जा रहा होता है। बाकी लोग बहन को रोकने जाते हैं। वो लोग हॉब्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। कौन बताता है कि कंट्रोल चिप यहाँ पर नहीं है, तो उसने एक बैकअप ड्राइव रखा है यहाँ पर, जो किसी एक ब्रांड के मुँह में पेन ड्राइव है, उसमें सारा डेटा है। बम्पी को उसकी देख रेख करने के लिए भेज दिया जाता है। बहन बम्पी को बचाने जाता है और बाकी लोग उस पेन ड्राइव को ढूंढने। ब्रुकलिन सभी ब्रैड्स की लोकेशन जान जाती है। वो लोग पेन ड्राइव को ढूंढना शुरू करते हैं। कौन को पता चलता है कि कैंपस ने पासवर्ड चेंज कर दिया, अब उसे पेन ड्राइव और कैंपस दोनों चाहिए। बहन केंजी से गुस्से में मिलता है पर केंजी बहन को मना लेता है। केंजी और बहन बम्पी को बचाने जाते हैं। वर्कर्स टैंसोस के पास से केंजी वर्कर्स को किसी आवाज़ से बहाना बनाकर टैंसोस से दूर कर देता है। बहन के बहुत कोशिश करने पर भी बम्पी को रिस्पॉन्स नहीं देती। केंजी उसे रिमोट कंट्रोल देता है पर बहन रिमोट कंट्रोल यूज़ नहीं करता। इस बीच वर्कर्स में वापस आ जाते हैं तो बम्पी में मदद से बहन को मरवाने की कोशिश करते हैं और केंजी को पकड़ लेते हैं। अब बम्पी बहन को मारने वाली होती है और बहन के बार बार पुकारने पर बम्पी अपने आप को संभाल लेती है। केंजी सही टाइम पर रिमोट तोड़ देता है जिससे बम्पी अपने होश में आ जाती है और वर्कर्स को भगा देती है। कैंपस को पता चलता है कि हॉब्स उनका पीछे कर रहे हैं, इसलिए वो लोग हॉब्स को जानबूझ के स्पाइस हाउस के सामने ले आते हैं, जिससे हॉब्स भाग जाते हैं और स्पाइस हाउस हॉब्स के पीछे पड़ जाता है। उन्हें कैंपस को पेन ड्राइव मिल जाती है और तभी वहाँ पर स्पाइस हाउस आ जाता है जिसको हॉब्स कंट्रोल कर रहा होता है। हॉब्स का हमला करने के कुछ समय बाद ही पेन ड्राइव हॉब्स को मिल जाती है और कैंपस वहाँ से भाग जाते हैं। कैंपस गेट को बंद कर देते हैं। कौन बताता है कि उसे पेन ड्राइव के संग संग पासवर्ड की भी जरूरत है। बम्पी और बैन वहाँ पर आते हैं। केंजी वहाँ पर आता है। एपिसोड 11। केंजी उन सभी से माफी मांगता है। सब लोग केंजी को माफ कर देते हैं सिवाय टेनिस के। टोरो गेट को तोड़ देता है और वो लोग वहाँ पर आकर कैंपस से पासवर्ड मांगते हैं पर कैंपस वहाँ से भाग जाते हैं। बम्पी बैन और ब्रुकलिन उन्हें रोकने जाते हैं। बाकी लोग टैंसोस को तालाब के पास से भगाने के लिए जाते हैं। टेनिस खतने के सिंगल भेजने पर भी कोई भी टैंसोस नहीं मिलता। बैन बम्पी और ब्रुकलिन उन्हें रोकने में कामयाब नहीं हो पाते। टेनिस समझ जाते कि उन टैंसोस ने तालाब को अपना घर बना लिया, अब ये यहाँ से नहीं जाएंगे। वो लोग टैंसोस के संग लड़ने का फैसला करते हैं। कौन और बाकी लोग वहाँ पर आकर फिर से पासवर्ड मांगते हैं और पासवर्ड ना देने को वो लोग हमला करवा देते हैं। कैंपस के डांसर्स कौन के डांसर्स बड़े अच्छी तरीके से लड़ते हैं और कैंपस भी उनका साथ देते हैं। टिकट के डांसर कंट्रोलर्स तोड़ देते हैं। कौन सैमी और फाइव को केस में जाते हुए देख लेता है। कौन सैमी से पासवर्ड मांगता है, सैमी पासवर्ड नहीं देती तो वो कौन सैमी को रिवील कर देता है कि वो ही उसकी फैमिली को ब्लैकमेल कर देता था। सैमी कौन के पेट पर लात मार के चली जाती है। टेनिस और केंजी में वापस दोस्त हो जाती है। कौन सभी डांसर को फिर से कंट्रोल कर लेता है और लिटिल लिटी पर हमला करवा देता है। पीछे बिग इटी आकर टायनिक्स को मार देती है। कौन बिग इटी के गर्दन पर चालने पर हमला करवा देता है जिससे बिग इटी चेन पर गिर जाती है। एपिसोड 12। सभी डांसर वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि बिग इटी उनकी लीडर थी जो अब हार चुकी है। कैंपस में वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग कुएं पर बने प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं और बोट की ओर जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में वो स्पाइस हाउस और टोरो के बच्चे से अलग अलग हो जाते हैं। केंजी ब्रुकलिन ये लोग टनल में जाते हैं पर वहाँ ब्राइडॉन आ जाता है जो ब्रुकलिन को पकड़ लेता है पर केंजी ब्रुकलिन को बचा लेता है पर ब्रुकलिन और केंजी अलग अलग दिशा में भाग जाते हैं। बाकी लोग रूट की तरफ और बीच में वर्कर्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं। रैप्टर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। रियाज सैमी बैन इनको भागने का मौका मिल जाता है और वर्कर कैप्टन द्वारा मार दिया जाता है। थोड़ी दूर पर ही केंजी देखता है कि डेनियस उसके संग नहीं है जिसको कौन ने पकड़ लिया होता है। डेनियस का पासवर्ड बताने पर कौन उसे स्पाइस हाउस के द्वारा मारने की धमकी देता है। केंजी वहाँ का डेनियस को बचा लेता है और पासवर्ड दे देता है और तभी वो कौन डेनियस पर हमला करवा देता है। बिग इटी वहाँ पर आ जाती है जिसके कारण कौन से रिमोट छूट जाता है और बिग इटी कंट्रोलर पर चढ़ जाती है और स्पाइस हाउस अपने होश में आ जाता है। बिग इटी उसे आगे की ओर धकेलती है। स्पाइस हाउस
वो किटी के संग थोड़ी देर लड़ाई करता है, वहाँ से चले जाता है। हॉब्स लिटिल टी के द्वारा मार दिया जाता है। सिस्टम के खराब होने की वार्निंग वापस आनी शुरू हो जाती है। डेनिस कॉन को सब कुछ बताता है कि भूकंप के बारे में और जहरीली गैस के बारे में। जहरीली गैस के कारण टीरेक्सिस की मौत हो जाती है। कौन वहाँ से भागता है और कैंजी को वापस लेने की कोशिश करता है। कैंजी कौन को नाराज होता है, बताता है कि फेस्टिवल की घटने के बाद कभी भी कौन ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करी। कौन कैंजी और कैंपस को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। टेनिस कैंजी को बताता है कि इस फेक सिस्टम वार्निंग थी कौन को भगाने के लिए, और जहरीली गैस निकली थी वो भरोसे की गैस थी। टीरेसिस को बहुत ज़्यादा है, टोटली सिस्टम को ठीक कर देती है जिससे कोई भूकंप और जहरीली गैस नहीं आएगी। रियाज, सैमी, बैन, एंजल और रिवल का उनके बारे में छोड़ देते हैं। कैंजी रिमोट कंट्रोल तोड़ देता है, टोरो ठीक हो जाता है और वहाँ से चले जाता है। फिर कैंपस तालाब के पास आते हैं और सभी डांसर्स को देखते हैं जो शांति से पानी पी रहे होते हैं। उनके बाद मैं, रॉक्सी, डेव, ब्रैड मारते हैं। कैंपस उनसे मिलते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। वो क्लीन कैंजी को बताते हैं कि उसके फादर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद कैंपस अपनी अपनी फैमिली से मिलते हैं। कैंजी टेनिस की फैमिली के हिस्से मिल जाते हैं। रियाज उस समय एक साथ रहने का फैसला करते हैं और उनकी फैमिली भी इजाजत दे देती है। फिर अटल डेनिस को दिखाया जाता है जो ये स्टोरी सुना रहा होता है। उसी के संग कैंजी को भी दिखाया जाता है। फिर कैंपस वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। मी और बैन मिल के मेंटागो के डांसों से ख्याल रखते हैं जिसकी भी समय से कैंजी पे करते हैं। बुकिंग टेनिस को बता दें कि उससे खबर नहीं लिखी इसलिए निकला गया ढंग से लवर शिट वॉच है और वहाँ से भाग निकले। अब दुनिया भर में फैल गई है। वीडियो कॉल के एंड होने के बाद टेनिस को भारी कदमों की आवाज़ आती है। वो अपने घर के बाहर देखता है तो उसे दिलाकला सांस दिखाई देता है। इसी से जो रसीबाइट कैंगो किटेसिस का फाइनल सीजन खत्म हो जाता है। अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। आज के लिए वीडियो चला हुआ तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।